मैं दिन में मरूं ना रात में, ना धरती में मरूं ना आसमान में, ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, ना बारहों ऋतुओं में ना छह महीनों में कभी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा ततास्तु ततास्तु ततास्तु, ऐसा कहते गए और कहते कहते ब्रह्मा जी वरदान पाकर के जैसे ही आया, चार बेटे थे हिरण्यकश्यप के, हुआद अनुहाद सहवाद, चौथा था प्रह्लाद और एक सिंहका नाम की कन्या थी और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। ये विप्रचित्र दानव की कन्या थी। ये मंच के पीछे रास्ते में बहुत शोर कर रहे हैं, कह दो भैया बैठ करके कथा सुन लो। एक बात की गांठ और लगा लो, तुम जो सोचत हो कि हम सुने ना तो विदाई में फर्क पड़ जाए। हरे राम के रो ना हो, बढ़ जाए बाबा एक अलग है, पर नेचे नहीं उतरत हम कुड़ेरिया महाराज। इसलिए बेटा जो पैसा खर्च करो उसको लाभ ले लो। बाई हरे अगर 150 रुपया की सैंडल खरीदे ना तो 6 महीना घटते नहीं घटते। अच्छा वो बड़ी दयालु होती है। अगर आदमी छतरपुर में प्लाट खरीद ले तो किसी को नहीं बताएगा, प्लाट लिप जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी, पड़ोसी को पता नहीं चलेगा, घर के भैया को पता नहीं चलेगा। और बाई हन की महानता हम का बताएं। अगर 12 रुपया को बक्कल ले आए ना जो बालों में लगाया है, एक हफ्ता तक सुना है तुमने, देखो जी हम जो बक्कल ले आए थे। अच्छा उत्तम लाल वाला बक्कल हमें बहुत अच्छा लग रहा, कहां से लो तो तुमने 12 रुपया का बक्कल, 7 दिन चर्चा चलेगी और 7 लाख के प्लाट की हवा नहीं लगेगी। महानता है आपकी। जब ऐसा प्रह्लाद को हिरण्यकश्यप ताड़ना देने लगा, और ताड़ना क्यों दिया, जो 3 पुत्र थे वो तो पिता के समान थे पर प्रह्लाद पिता के समान नहीं था। अब ये बहुत गंभीर विषय है, थोड़ी सुनने की बड़ी जरूरी है। प्रह्लाद का चरित्र जो सुन लेता उसका जीवन कभी बिगड़ता नहीं है। क्यों? प्रह्लाद यो सदग्रह, प्रह्लाद जैसा गृहस्थाश्रमी कोई पैदा नहीं हुआ। प्रह्लाद में सदगुण कहां से आ गए? एक बात बताऊं, जिस समय हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, देवराज इंद्र को पता चला कि तपस्या हो रही है और इसकी तपस्या पूर्ण हो गई तो यह हमारा पद छीन लेगा, अब क्या करूं। देवराज इंद्र दौड़ करके और देव गुरु बृहस्पति की शरण में गए, बोले गुरु जी कोई उपाय करो, हिरण्यकश्यप की तपस्या से विघ्न आ जाए। देवगुरु बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की तपस्या में विघ्न मत डालो। देवता बोले महाराज आप हमारे गुरु हो और संपत्ति और विपत्ति में गुरु को शामिल होना चाहिए, अच्छे और बुरे में गुरु को शामिल होना चाहिए, हमारे ऊपर घोर विपत्ति आ रही है तो गुरु जी आप हमारी रक्षा करो। देवराज इंद्र के कहने पर देव गुरु बृहस्पति और हिरण्यकश्यप की तपस्या में विघ्न डालने के लिए पहुंच गए। कैसे पहुंचे? देवगुरु बृहस्पति ने तोता का रूप बनाया सुबह का, और जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा था उसी पेड़ के ऊपर बैठ करके जोर से बोले नारायण नारायण नारायण। जब हिरण्यकश्यप को सुनाई दिया मेरे सिर के ऊपर मेरे शत्रु का कोई नाम ले रहा है, तपस्या छोड़ दिया और तोता को मारने दौड़ पड़ा।
जब मान ने दौड़ा तो तोता पंख वाला पक्षी उड़ गया, चला गया, वो उसकी तपस्या में विघ्न हो गया, वो अपने घर आया। अब कितने सालों के बाद जब घर आया, पत्नी ने रात्रि में दरवाजा खोला तो पति देव खड़े थे। पत्नी ने कहा कि महाराज तपस्या पूरी हो गई? बोले तपस्या पूरी नहीं हो गई, कोई दुष्ट हमारे ईश्वर पर बैठ करके शत्रु का नाम ले रहा था, इसलिए मैं तपस्या छोड़ करके आ गया। क्या ले रहा था? पत्नी बड़ी चतुर थी। पति देव उस तोता ने क्या कहा? क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप बोला, अरे बार बार नारायण 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 जप रहा था, और हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण शब्द निकला, और इसके बाद उसने पत्नी से मिलन किया। तो उसका मन उस समय नारायण में रमा था। चाहे क्रोध में हो चाहे प्रेम से हो, अगर भगवान में मन लग जाए तो धारणा भी हमारी वैसे हो जाती। अच्छा एक बात बताऊं, वैसे भगवान से प्रेम कर लो तो कल्याण हो जाएगा। अच्छा प्रेम करने की फुर्सत ना मिले तो भगवान से बैर कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान की कृपा में अक्रोध में कोई अंतर नहीं है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको अपना धाम देते हैं, और जिस पर क्रोध करते हैं उसको भी अपना धाम देते हैं। अब आप रोज भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, प्रेम करवे की अगर फुर्सत ना हो तो जरा सा क्रोध करके देख लो। आप कहो कैसे? भगवान ने ताड़का पर क्रोध किया और बाण मारा, लेकिन गति दे दी। भगवान कृष्ण ने पूतना पर क्रोध किया लेकिन मां की गति दे दी। क्या अंतर है? बाली पर क्रोध किया निज धाम दिया, रावण पर क्रोध किया निज धाम दिया। भगवान जिस पर क्रोध करते हैं उसको अपना धाम देते हैं, और जिस पर कृपा करते हैं उसको अपना धाम देते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना किया करो, हे प्रभु अगर आपको कृपा करने की फुर्सत ना हो तो क्रोध करके दे। दूसरी बात, जब ये दोबारा तपस्या करने चला गया तो देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप का रूप बनाया और रात्रि में इसकी पत्नी को छल से हरण करके ले गए कयाधु। उस समय कयाधु के पेट में 7 माह का गर्भ था। जब किसी माँ के पेट में गर्भ हो उस समय माँ को क्रोध नहीं करना चाहिए, जितना ज्यादा क्रोध करेगी उतनी क्रोधी बालक होगा। गर्भ के समय माताएं बहनों को कुछ ध्यान रखना चाहिए, मन में चिड़चिड़ापन न भरे, नहीं तो लड़का भी लड़ाकू होगा। असत विचार न लावे, अगर तुम्हारे मन के विचार खराब होंगे तो विचार ही तो संतान है, जैसा तुम्हारा विचार वैसी तेरी संतान। तो जब देवराज इंद्र ने कयाधु का हरण किया, रात में ले जा रहा था, कयाधु रो रही थी, पति घर में नहीं, 7 माह का गर्भ पेट में, गर्भवती स्त्री, रात्रि का 12 बजे का समय, इंद्र ले जा रहा था, रो रही थी कयाधु। देवर्ष नारद के आश्रम के पास पहुंचे। नारद जी ने सोचा कोई स्त्री रो रही है रात्रि का 12 बजे, कौन है? निकल करके देखा तो देवराज इंद्र थे। नारद ने कहा मूर्ख हो गए हो क्या इंद्र, किसी स्त्री के साथ ऐसा छल किया जाता, छोड़ दो। इंद्र ने छोड़ दिया, कयाधु नारद जी के आश्रम में रहने लगी। जब नारद के आश्रम में कयाधु रुकी तो नारद जी जो कयाधु को उपदेश देते थे वो गर्भ का उपदेश प्रहलाद जी सुनते रहते थे। आज तो भैया हद हो गई। अच्छा इनमें से कछु भाई हरे मायके गई हुई है कि नहीं गई? गई हुई है।
ये सुनी हो सके इतने बड़े गांव में से 150 माइके न गई हैं। ओ भगवान अच्छी चली गई थी, बे होते तो आज का हो तो। अगर मान लो एक माइके न गई होती तो का हो तो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वह कर्म का ज्ञान प्रहलाद जी को था। प्रहलाद जी को नाना प्रकार की ताड़ना देने लगे हिरण्यकश्यप, पर उसकी ताड़ना का कोई असर नहीं पड़ रहा। दुष्ट था हिरण्यकश्यप, भाई का बदला लेना चाहता था, इसलिए और एक दिन प्रहलाद को बिठा करके हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा तेरे पास ये असद विचार कहां से आए और संसार में तुझे सबसे प्यारा क्या लगता है? प्रहलाद ने जो जवाब दिया सुन लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्मनिवेदनम। ये भागवत जी की नवधा भक्ति है। रामायण की नवधा भक्ति तो हमने कल आपको बताई थी। भागवत की नव भक्ति में पहली भक्ति क्या है? प्रहलाद जी जो अपने पिताजी को बता रहे हैं, सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुनना सबसे बड़ी भक्ति है। श्रवणम भगवान की कथा सुनो, जहां सत्संग होता है सत्संग को सुनो, राम कथा को सुनो। अब कभी अगर जीवन में ठाकुर जी मौका देंगे तो एकाध बार 9 दिन की राम कथा होगा। ठाकुर जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से हम राम कथा खूब करते हैं। भागवत जी की कथा करते हैं और राम कथा भी करते हैं। और आज के श्रोता देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा बोल दूं, अब लेकिन बोल नहीं रहा हूं। मैं ऐसा बोल दूं कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा किया जो हमें तुम्हारे क्षेत्र में जन्म दे दिया, और दूसरी कृपा कर दी कि हमारा तुमसे संयोग बन गया। मान लीजिए हम 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर के होते तो काय के कुड़ेरिया जी को अतला समझा तो। अगर भगवान ने संयोग बनाया और आए करते रहे तो रानी ताल हमारे क्षेत्र का और हमारी जन्मभूमि के पास का सबसे बड़ा गांव है कि नहीं है? एक महाराजगंज, दूसरा रानीताल। वैसे जिला का तो सबसे बड़ा गांव टटम है। टटम है कि अनगौर? क्या है अनगौर से अपना कहा लेने देने? तो आप लोग अगर पूरे गांव वाले अच्छी सुमत से और एक मन से रहो तो मैं 9 दिन की राम कथा फ्री में सुना के चला जाऊंगा। भंडारा आपकी तरफ से, अब पंडाल का खर्चा और मेरी विदाई मेरी तरफ से। लेकिन काबो मुझे बहुमत नहीं चाहिए, मुझे रानीताल का सर्वमत चाहिए। बहुमत से नहीं आऊंगा, सर्वमत से आऊंगा। आप अपने घर में पार्टी बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप अपने गांव में एक दूसरे से के घर जाओ पर ना जाओ, लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा हो और मैं राम कथा करने आऊं तो मैं बहुमत नहीं सर्वमत से रानी ताल में आकर के अब फ्री में कथा करूंगा, अब पंडाल फ्री में लगवाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। अच्छा अगर तुमने एक इशारो तुम लोगों ने देखो हमारे कलाकार ने जो हमें इशारो करो कि कह महाराज तुम फ्री में हो गए और पंडाल फ्री में हो गए और हमारे कहा होने हमने कही गांव भाई जाने तुम्हें को फ्री में नहीं आओ इतने बड़ बड़े तुम्हारे पेट भी नहीं हमें भर पाओ। कलाकारों की जो विदाई होगी गांव वाले की तरफ से अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम नौ प्रकार की नवधा भक्ति। और प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को बताई जिसमें से सबसे पहली भक्ति श्रवणम कथा सुनो, दूसरी भक्ति कीर्तन करो भगवान, तीसरी है स्मरणम जहां भी जाओ जहां भी रहो भगवान का स्मरण करते रहो, जैसी स्थिति में रहो भगवान का स्मरण करो जहां भी रहो। हरि ओम श्री सीताराम। आइए सभी भक्त बड़े प्रेम से गाएंगे। नन्हा सा फूल हूं मैं, नन्हा सा फूल।